हे दोस्तों, आपने संदीप महेश्वरी जी का ये वाला वीडियो देखा है, मिडिल क्लास ट्रैप वाला, जो काफ़ी अच्छा वीडियो था। मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली जो इसका टॉपिक था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए कई सारे अच्छे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डाले हैं। वीडियोस नो डाउट काफ़ी अच्छे अच्छे बने हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इन सभी वीडियोस में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मिसिंग है, या शेयर हुई भी है तो टुकड़ों में। कई सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में गरीबी या मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर रिच कैटेगरी में आना चाहते हो तो। अब मैं कौन होता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला? वेल, अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, मैंने अपनी लाइफ का मोर देन 2/3 हिस्सा एज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिताई है। ये आपको दिख रहा है, ये मेरा घर है, चौल का पत्रे का घर, जो इतना छोटा सा था ना कि अगर आप हाथ ऊपर करोगे तो फैन लग जाता था। एसेट्स के नाम पर हमारे पास कुछ था तो वो थी टैक्सी, जो मेरे डैड अब्बू रोज चलाने जाते थे। रात रात भर वो काम करते थे कुछ फ्यू 100 रुपीज कमाने के लिए, जिससे पूरा घर चलता था, या आप बोल सकते हो चलाना पड़ता था। यकीन मानो, मैंने 20-21 साल की एज तक कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा था जब अब्बू ने कोई उधार, कोई लोन या बिस्सी से पैसे ना उठाए हो, जिसके हफ्ते भरने पड़ते थे। अब बिस्सी अगर नहीं पता तो बता दूँ, एक पर्सनल लोन विदाउट इंटरेस्ट का टाइप होता है, जहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, 10 लोग मिले, 10 लोगों ने 5,000-5,000 रुपये दिए, जिससे 50,000 रुपये का एक बड़ा अमाउंट बन गया। अब ये जो बड़ा अमाउंट होगा ना, वो यूजुअली 2 तरीकों से बढ़ता था। पहला चिट्ठी उड़ा के, मतलब जिसका पहला नंबर आएगा उसको पहले मिलेगा, और जिसका बाद में आएगा उसको बाद में। या फिर दूसरा तरीका होता था जिसमें बेसिकली बोली लगती थी, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी आने वाले महीने में, वो ज़्यादा पैसे कटवा के बिस्सी उठा लेता था। अब अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो, हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन ही ज़्यादातर चूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता था, कभी बहनों की शादी के लिए पैसे लेना, स्कूल की फ़ीस के लिए, कॉलेज की फ़ीस के लिए। और ऐसे ही हम लोग भी ना एक ट्रैप में फंसे हुए थे, एक लोन के ट्रैप में, जिससे हम लोग छा कर भी निकल नहीं पाते थे। और निकलते भी कैसे? हमारे घर के जो एक्सपेंसेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे, और इनकम का सोर्स और इनकम जो थी ना, वो बहुत कम थी। वो पुराना गाना है ना गोविंदा की मूवी का, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ वैसे ही सीन था। बट फिर 20-21 साल के बाद मैंने ना कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए, जिसकी हेल्प से ही मैं इस मिडिल क्लास ट्रैप को ना तोड़ पाया। नंबर्स में अगर आपको बताऊँ तो मैंने 21 स्पेसिफिक स्टेप्स लिए, जिसने ना मुझे इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने में बहुत हेल्प करी। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं वही 21 स्टेप का फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसने पर्सनली मुझे सच में मिडिल क्लास से ऊपर आने में हेल्प करी है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये वीडियो में मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरी या बस 21 लेसन ही नहीं, बल्कि एक अमेजिंग बुक की पूरी समरी भी देने वाला हूँ। मतलब एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ आपको मिलने वाली है। और ये कौन सी बुक की समरी है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अभी स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से, जो है DBD। अब DBD क्या होता है देखते हैं। मैं ना अभी राइट नाउ 29 की एज का हूँ, और इस 29 की एज तक मैंने अपने कई सारे बड़े बड़े सपने को पूरा किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पहले मैं चौल में रहता था, वो घर ना मुझे सच बोल रहा हूँ ज़रा भी पसंद नहीं था। पत्रे के घर में बहुत गर्मी होती थी, बारिश में बहुत पानी टपकता था, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से हमेशा से मेरे अंदर एक सपना था कि यार ना इस चौल के घर से निकल के बिल्डिंग में घर लेना है। और फॉर्चुनेटली मैंने इस सपने को पूरा भी किया। मैंने कुछ साल पहले अपना पहला घर लिया था, और अब हम लोग अपना दूसरा घर ले रहे हैं, पूरा प्रोसेस चालू है। तो ये एक बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ। इंटरनेशनल ट्रिप करना मेरा एक सपना था, वो मैंने किया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने बातें करना, वो भी सपना पूरा हुआ। और ऐसे कई सारे और भी छोटे छोटे सपने मेरे पूरे हुए हैं। लेकिन ये सारे सपने कब पूरा होना स्टार्ट हुए आपको पता है? आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? बिकॉज 21 साल के बाद ही मैंने ना अपनी सोच को बदलना स्टार्ट कर दिया। 20-21 साल से पहले तक ना मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि यार अच्छी लड़की कैसे गर्लफ्रेंड बन सकती है, अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है, दूसरों से बेटर सैलरी में कैसे कमा सकता हूँ, अच्छी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैं सोचता था। बट फिर जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार मुझे बड़ी चीज़ें सोचना चाहिए। लाइक मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ ही साल में करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, जब मैंने बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तभी मेरे साथ अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। और यही है DBD, मतलब ड्रीम बिग ड्रीम्स, जो कि पहला लेसन भी है। अब देखो, बड़ा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ा बड़ा सोच सकता है। रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी भी बहुत बड़े बड़े सपने देख सकता है, लेकिन वो सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे वो आने वाले स्टेप्स पर डिपेंड करता है, और ये तो बस एक बिगनिंग स्टेप है। अब देखो, बड़ा भी मैंने कैसे सोचा, इस चीज़ पे गौर करो। मैंने डायरेक्टली अपने लिए ये गोल सेट नहीं किया कि मुझे अंबानी जैसा अमीर बनना है, जेफ बेजोस जैसा अमीर बनना है, या बिलियनर बनना है। नहीं, मैंने बड़ा तो सोचा, लेकिन एक यूट्यूबर बनने से रिलेटेड मैंने सोचा कि एक यूट्यूबर बनूंगा। अब यूट्यूबर मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज ना इस चीज़ के ऊपर मुझे बिलीव था कि यार मेरे से भी कई सारे गए गुजरे लोग हैं, वो लोग यूट्यूबर बनकर आज लाखों कमा रहे हैं, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बिलीव था कि हाँ, ये चीज़ अचीव करी जा सकती है, और ये थोड़ी चैलेंजिंग भी है, बड़ी भी है, इसलिए मैंने उस चीज़ को चुना। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से लोग मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ नहीं पाते, वो यही है,
दे डोंट डेवलप अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपकी जिंदगी में ना क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन होना जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपके पास परफेक्ट प्लान होना चाहिए, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन था कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है, और यही है सेकंड लेसन। अब ये सेंस ऑफ डायरेक्शन तो मिल गया था, बट इसके साथ साथ मैंने ना दो बेवकूफ़ी नहीं करी। पहली बेवकूफ़ी मैंने ये नहीं करी कि मैं अपने डैड के पास, अब्बू के पास जाके मैंने ये नहीं बोला कि डैड मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। अगर ऐसा बोलता तो मुझे जूते चप्पल पड़ते। नहीं, मैंने ये नहीं किया। मैंने दूसरा ऑप्शन भी नहीं चूज़ किया कि यार पहले ही हार मान गया कि नहीं यार अब्बू नहीं मानेंगे, कैमरा नहीं दिलाएंगे। नहीं, मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। मैंने ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक बात सीखी थी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि यार जो मेरी ज़िंदगी है ना, वो मेरे माँ बाप, गवर्नमेंट या दूसरों की वजह से नहीं, मेरे खुद के वजह से है, और अगर इसे चेंज करना है तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी। ऐसी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हाँ, मुझे डैड से, अब्बू से पैसे नहीं मिल सकते थे कैमरा के लिए, माइक के लिए, लेकिन मुझे मेरे दोस्त से मिल सकते थे, इसलिए मैंने दोस्त से उधार लिया। जो भी चीज़ें मैं खुद कर सकता था, जैसे एनिमेशन करना, समरी करना, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, मैंने उसके ऊपर फोकस करना चालू किया और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसके जैसे YouTube चैनल बनाने का डिसीजन ले पाया। अब बोल सकते हो मैं रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बना, और यही थर्ड लेसन भी है। मैंने ना दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने के बजाय, दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा, खुद से पैसे कमाऊंगा, और यही थर्ड लेसन भी है कि सी योरसेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो, सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल गया है, यूट्यूब करना है, ये चीज़ की क्लैरिटी भी मिल गई है। इसके बाद फिर देखो, यूट्यूबर बनना है ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था, बट यूट्यूब में क्या करना है इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी, जब मैं यूट्यूब करना स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था। अब जब मैं यूट्यूब करना स्टार्ट कर रहा था तो वो टाइम पे ना प्रैंक्स, AIB, TVF ये सब टाइप के चैनल्स बहुत चल रहे थे, और भी इंटरव्यू टाइप के चैनल, मैं वो चीज़ें कर सकता था क्योंकि उस पर व्यूज़ बहुत आ रहे थे और उस पर मुझे लगता पैसे भी बहुत आते। ऐसा मैं सोच के वो चीज़ें ट्राई कर सकता था, बट मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने चूज़ किया बुक समरी चैनल, जो इंडिया में पॉपुलर, छोड़ो, कोई कर ही नहीं रहा था। बट वो मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज आई रियली लव्ड इट। मुझे ना अमीर बनना था, और मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अमीर बनना है तो अमीर वालों की आदतें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, और बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट थी जो मेरे को अपने अंदर डालनी थी, और मैं बहुत पैशनेट था इस चीज़ को लेकर। आई रियली लव्ड रीडिंग बुक्स, इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं बुक समरी चैनल ही बनाऊंगा। भले से मुझे 1000 लोग ही देखे चलेगा, बट इन 1000 लोगों को मैं सर्व करूंगा दिल से। और यहीं पे ना मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। मैक्सिमम लोग जब सोचते हैं कि लोगों को कुछ बड़ा करना है, तो मैक्सिमम टाइम वो लोग ना उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। दूसरे अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बना रहे तो वो सोचते हैं चलो मैं भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूं। वो लोग ये नहीं देखते कि उनको एक्चुअल में क्या पसंद है, जिसकी वजह से वो लोग मीडियोकर बनकर रह जाते हैं और मीडियोकर लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ में फंस जाते हैं। इसलिए ये लेसन को भी ध्यान देना। इसके बाद अब देखो, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बुक समरी चैनल बनाना है, तो ऐसा नहीं था कि मुझे बस ऐसी कुछ भी बनाकर डाल देना है। नहीं, मेरे दिमाग में पहले से था कि वीडियो बनाना है तो एकदम अच्छा बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है जैसा किसी ने नहीं बनाया हो, इतना पावरफुल वीडियो बनाना है जो एक बार कोई देख ले तो उसकी लाइफ चेंज हो सके। लिटरली मेरे दिमाग में यही चलता था, एक्सीलेंस। और यही है नेक्स्ट लेसन भी, और ये चीज़ का प्रूफ है मेरा पहला वीडियो। आपको चाहिए तो जाके मेरा पहला वीडियो चेक करो। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से टाइम इन्वेस्ट किया था, बहुत दिल से मैंने वीडियो बनाया था, जो अभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि सच में मैंने उस टाइम के हिसाब से अपना बेस्ट दिया था। अगेन, मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। वो लोग किसी भी फील्ड में घुसते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बस अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत, बेसिकली हाफ एस वर्क करते हैं वो लोग। वो लोग पूरा ऑल इन जाके काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मीडियोकर बनकर रह जाते हैं। इंस्टेड, अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप पे नहीं फंसना है ना, तो आप हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागो। ये एकदम सच है, अगर आप जो भी फील्ड में हो उसमें एक्सीलेंट वर्क करोगे ना, तो झक मार के सक्सेस आपके पास पहुंच ही जाएगी, आप ऊपर आ ही जाओगे, लोग आपको ऊपर लेके चले जाएंगे। आप वहीं पे बैठे रहो, लोग आपको कंधे पे बैठा के ऊपर लेके चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के साथ भी यही चीज होने लग गई, इसलिए ये स्टेप को भी जरूर ध्यान देना, कमिट टू एक्सीलेंस। अभी ऑब्वियसली ये वाला स्टेप अगर आपको अच्छे से क्रैक करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट काम करना है, तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको पता है, जब मैंने ये वीडियो चालू किया था, तब मैंने ना बहुत सारे सेक्रीफाइस करना चालू किया। मुझे पता था अगर मुझे एक्सीलेंट वीडियो बनाना है तो मुझे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया था। आपको पता है, मुझे गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, ये सब बहुत पसंद था पहले से ही, लेकिन स्टिल मैंने उनको सेक्रीफाइस करना चालू किया। उधर से टाइम मैंने कम किया और मैंने वीडियो मेकिंग पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने जितना कभी अपने इंजीनियरिंग के लिए मेहनत नहीं करी थी, फाइनल एग्जाम्स के लिए, उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा था अपने वीडियोस के लिए, जबकि यही चीज़ मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। इसलिए ये वाला स्टेप तो हमेशा ज़रूरी है ही है, जो था ये नेक्स्ट स्टेप। मैंने ना कई सारे मेंटर्स से ये बात सीखी थी कि यूजुअली जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, वो लोग ना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही पढ़ते हैं, जब तक उनको डिग्री मिलती है तब तक ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल अमीर लोग होते हैं ना, मिलियनर्स, बिलियनर्स होते हैं, उनकी एक्चुअल पढ़ाई तो स्कूल कॉलेज के बाद शुरू होती है, और वो लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं।
इसीलिए ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि यार बुक समरी चैनल बनाने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी होगा कि भले से मेरे को इतने व्यूज़ आए या ना आए, कम से कम मैं बुक्स की बात पे सीखता रहूँगा और अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव करता रहूँगा। जो मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मिडिल क्लास से हायर क्लास पे जाना चाहते हो तो। मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी होती ही नहीं है, वो लोग तो बस सोचते हैं कि यार कितने कम से कम मेहनत करने पड़े, कम से कम चीज़ें सीख जाऊं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाते हैं, वो लोग हमेशा सीखते रहते हैं। उनको मालूम है कि अगर मैंने आज सीखना बंद कर दिया तो कोई ना कोई दूसरा इंसान आ जाएगा जो मुझसे ज़्यादा पैशनेट होगा, वो मुझसे ज़्यादा चीज़ें सीख के मुझको पीछे छोड़ देगा और मेरे से आगे निकल जाएगा। और ये चीज़ मार्क क्यूबन अपने वीडियो में भी बोलते हैं, इसलिए ये वाले स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करो अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप मेजॉरिटी में आ जाओगे और मेजॉरिटी में आओगे तो आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस ही जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये नेक्स्ट स्टेप को भी जरूर समझो। देखो, जब मैंने एक्सीलेंट वर्क करना स्टार्ट किया, मेहनत करना चालू किया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स दिखना भी स्टार्ट हो गए। मैंने कमाना चालू कर दिया, अब मेरे पास लाखों रुपए आना स्टार्ट हो गए थे। तब भी है ना, मैंने ये नहीं किया कि यार अब पैसा आ गए चलो आईफोन खरीदते हैं, चलो घूमने जाते हैं, चलो महंगी महंगी चीज़ें खरीद के शो ऑफ करते हैं। मैंने नहीं किया। जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो टाइम पे, वो था घर खरीदना। इसलिए मेरे पास जितनी भी इनकम आती थी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ना के बराबर, मैं अपने ऊपर खर्च करता था या दूसरों पे खर्च करता था। मैं पैसों को सेव करता था या इन्वेस्ट करता था। और यही चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग जब पैसे कमाते हैं ना, वो लोग उस पैसों से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे जाते हैं। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं, जैसे कि आपके पास पैसा है, अगर आप उस पैसों से डायरेक्टली लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हो या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें खरीद लेते हो, तो वो पैसे उधर ही खत्म हो गए, वो मर गए। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों को लेके एसेट्स में इन्वेस्ट करो, तो वो पैसों से और पैसे बनेंगे, और फिर जो और पैसे बनेंगे आप उससे लाइबिलिटीज़ खरीद के अच्छी लाइफ जी सकते हो। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ सीखी थी रिच डैड पुअर डैड से ही, इसलिए मैंने ये चीज़ करी। आई स्टार्टेड पेइंग माई सेल्फ फर्स्ट। आईफोन की कंपनीज़, घूमने फिरने वाली कंपनीज़ या दूसरों को पहले पैसे देने से मैंने अपने एसेट्स पे, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया, गेन अपने एसेट बिल्डिंग पे फोकस किया, जो चीज़ आपको भी करना चाहिए। और यही है नेक्स्ट लेसन। एक लॉ है इंटीग्रिटी कॉम्प्लेक्सिटी का, जो बोलती है ना कि कोई भी ऐसा इंसान जो अलग अलग फील्ड की नॉलेजेस को मिला के अपनी फील्ड में लगाता है, वो इंसान को कंपैरेटिवली दूसरों से बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। एग्जांपल, एक स्टडी से मालूम पड़ा है जो टॉप के 20% सेल्समैन होते हैं ना, जो हमेशा सीखते रहते हैं नई नई चीज़ें, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, वो लोग 16 टाइम्स मोर कमाते हैं बॉटम के 80% सेल्समैन के कंपैरिजन में। और ये सेम चीज़ मैंने भी अप्लाई की। मैं भी ना अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेता था, जैसे कि मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, मैंने ना बातें कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, मैंने एनिमेशन सीखे, मैंने सिमेट्री के बारे में सीखा, ब्यूटी के बारे में सीखा, इंजीनियरिंग के बारे में, जितनी भी चीज़ें मैं अलग अलग सीखता रहता था, वो सारी नॉलेज को कंबाइन करके मैं वीडियो में निकालता था। जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, एनिमेशन, कॉपी राइटिंग, हर अलग अलग चीज़ें जो मैंने सीखी थी ना, वो सारी चीज़ें कंबाइन करके मैं वीडियोज़ बनाता था, जिसके वजह से मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते थे। और यही नेक्स्ट लेसन भी है, नेक्स्ट स्टेप भी है, दैट लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस के जितने भी पार्ट्स हैं ना, आपको मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम डेप्थ में पता होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ पता होनी ही चाहिए, वरना कल को आप हायर भी करोगे ना किसी इंसान को, तो आप उसको सही से डेलीगेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वाले स्टेप को भी जरूर समझो कि आपको अपने बिजनेस के हर एक डिटेल समझ में आनी चाहिए और आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज अपने बिजनेस में डालनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये नेक्स्ट स्टेप भी समझना चाहिए। आपको पता है, जब मैंने पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया। मेरे को लगा कि यार क्या मज़ेदार बातें मेरे को मालूम पड़ गई है, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ना ऐसा लगता था कि मुझे कोई सीक्रेट्स मिल गए हैं और ये सीक्रेट अब मैं छुपा के रखूंगा अपने पास और इससे मैं खुद अमीर बनूंगा। लेकिन मुझे पता चला ये मेरी कितनी बचकानी सोच थी। बुक से ही मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर आपको ना सच में बहुत अमीर बनना है, तो आपको दूसरों को सर्व करना पड़ेगा, आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको जितना हो सकता है अपने पास जो वैल्यू है ना, वो दूसरों को देनी पड़ेगी। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करना चालू की, जो मैं देखता हूँ आजकल लोग नहीं करते हैं, कई बार लोग वीडियो बनाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो वो लोग उसके अंदर चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। जैसे कि अगर वीडियो बनाना है तो वो सारी डिटेल नहीं बताएंगे, वो सोचेंगे कि यार ये जो क्रूशियल बातें हैं ना, वो मैं छुपा के रखता हूँ, अपने लिए यूज़ करूँगा, ये लोगों को सिर्फ ऐसी ऐसी कोई भी बातें बता देता हूँ, जो चीज़ सही नहीं है। अगर आपको सच में मीडियोकर लेवल से ऊपर जाना है, तो आपको ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि यार गिव द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स यू कैन टू योर व्यूवर्स या फिर कस्टमर्स या फिर जिससे भी आप पैसे कमाना चाहते हो। जब आप अपना बेस्ट दोगे ना, जब आप अपने आपको डेडिकेट कर दोगे टू ओनली सर्व अदर्स, तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पकड़ पाओगे, तभी लोग आपकी इतनी इज्जत करेंगे कि लोग आपका नाम चिल्लाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी ज़रूर करना। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला तो सच बोल रहा हूँ, ये वाला नेक्स्ट स्टेप है ना, उसके जैसे कितने सारे लोग ही मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं, अच्छा टैलेंट और अच्छी नॉलेज होने के बाद भी। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो काइंड ऑफ मेरा दोस्त भी था एक टाइम पे, वो एक अच्छा क्रिएटर भी था। अब जब उसने चीज़ें क्रिएट करी, वो हिट हो गया ना, तो उसने क्या किया पता है, वो पहले तो एकदम लोअर मिडिल क्लास जैसा ही रहता था, बट जैसी उसे थोड़ी सक्सेस मिली, उसने क्या करना चालू किया, उसने ना जहाँ वो रहता था
वो जगह छोड़ के उसने बांद्रा में रेंट पे घर लेना चालू कर दिया, जहाँ का जो रेंट था वो बहुत महंगा था। उसने बड़ी बड़ी गाड़ी लेना चालू कर दी। बेसिकली ना वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग गया, जबकि सच में क्या वो सेलिब्रिटी था? टू बी ऑनेस्ट वो नहीं था। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ टाइम बाद ही उसको उसने जो लाइफस्टाइल बना के रखी थी ना वो छोड़ के वापस से वहीं आना पड़ा जहाँ उसने स्टार्ट किया था। और ये चीज़ बहुत तकलीफ वाली होती है। आपको पता ही होगा अगर हम लोग कोई एक लेवल पे हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल महीने के 10,000 कमा रहे हो, 10,000 से 1,00,000 पे पहुंचने का मज़ा बहुत अच्छा होता है, मज़ा आती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आप 1,00,000 से वापस से 10,000 पे आ जाओगे ना, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। बिकॉज हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है लॉस अवर्जन का, हमको 500 रुपये मिलने पर इतनी खुशी नहीं होगी जितना 500 रुपये खोने का दुख होगा। इसलिए नेक्स्ट चीज़ आप लोग ज़रूर करना, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी ये चीज़ नहीं की। आपको पता है मैं 1,00,000 रुपये कमाना मैंने चालू कर दिया था, फिर भी काफ़ी टाइम तक मैं चौल वाले घर में ही रहा। फिर उसके बाद भी मैंने बिल्डिंग में आया बट मैं रेंट वाले घर पे ही रह रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ जानता था कि भी डायरेक्टली मैं बहुत बड़ा घर नहीं ले सकता हूँ, बहुत महंगे करोड़ों वाला घर नहीं ले सकता हूँ। मैं जो घर ले सकता था मैंने वो वाला घर लिया, समझ रहा हूँ? मतलब मैं ट्रू था अपने आप से, मैंने अपनी वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी। और आज भी जो मेरी लाइफस्टाइल है मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करी है, अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अब अच्छे से मेरा बिजनेस सेट हो गया है। और ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आई एम ट्रू विथ माई सेल्फ। मुझे पता है कि मेरी हैसियत या मैं कितना कमा रहा हूँ उसका लेवल क्या है, ठीक है? और जब तक आप है ना ये नहीं करते हो, जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलते हो, जब तक आप दूसरों से सच नहीं बोलते हो, तब तक आप है ना मीडियोक्रिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे और बहुत बार मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाओगे, जैसे कई लोग आजकल दिखावे में कर रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट लेसन यही है, बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड अदर्स। और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप भी मैं हमेशा फॉलो करता था। देखो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मुझे लगता है जिसके वजह से मुझे सक्सेस मिली और मैं ज़्यादा अच्छे पैसे कमा पाया या फिर अच्छा नाम कर पाया, वो यही था बिकॉज मेरे दिमाग में मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा सही थी, स्ट्रेट थी। मैंने अपने लिए ऐसा बना लिया था कि मुझे हर हफ्ते एक बुक पढ़ के वीडियो बना के डालना ही डालना है, और वो मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी होती थी। अगर मैं बुक पढ़ के उसकी समरी नहीं बना पा रहा हूँ तो आजू बाजू जितनी भी चीज़ें आती थी मैं सबको इग्नोर करता था, मैं गेम्स नहीं खेलने जाता था, मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी जो थी हर हफ्ते एक वीडियो डालना, मैंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया और पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैं वहीं पर देता था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आपको मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना है ना तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सही करने आना चाहिए कि आपको कहाँ अपना टाइम, कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। मैक्सिमम लोग आज यही गलती कर देते हैं, मैक्सिमम लोग की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। उनको मे भी पता तो होगा कि उनको ये गोल पे काम करना है, इस पे काम करना है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है, कभी वो इस पे काम करेंगे कभी वो उस पे काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक सिंगल गोल सेट करना है, जैसे मेरे लिए वो हर हफ्ते एक वीडियो डालना था, मतलब एक्शनेबल स्टेप। वो एक्शनेबल स्टेप को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ, उसके ऊपर पूरे दिल जान से काम करो, पक्का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब आप ये करोगे ना, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो भी फॉलो करना ईजी हो जाएगा। बिकॉज देखो जब मैंने ना ये चीज़ ठान ली कि हर हफ्ते एक वीडियो जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बीमार रहूँ, चाहे कोई हॉलीडे हो, कुछ भी हो, तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ पता है? इस चीज़ की वजह से लोगों में मेरी रेपुटेशन बनने लग गई कि यार ज़ीशान भाई तो हर संडे बुक समरी डालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूरी एक बुक पढ़ते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, एनिमेशंस करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उसको सिंक करते हैं, हर चीज़ अकेले करते हैं और हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट बना के डालते हैं। और इन्हीं बातों की वजह से ना कहीं मेरी एक रेपुटेशन बन गई स्पीड और डिपेंडेबिलिटी की कि यार ये बंदा तो हर हफ्ते वीडियो डालेगा ही डालेगा, जिसके वजह से वो लोग सब्सक्राइब भी करते थे। इसलिए नेक्स्ट स्टेप को भी ज़रूर ध्यान दो। आप है ना इतनी अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से सेट करो और काम करते रहो कि लोगों में आपकी रेपुटेशन बन जाए आपकी स्पीड और डिपेंडेबिलिटी के ऊपर। याद रखो अगर एक बार आपके ऊपर लोग डिपेंड होना स्टार्ट हो गए ना, ट्रस्ट में आप गरीब रहोगे ही नहीं, पक्का आपको कोई ना कोई उठा लेगा, पक्का लोग आपको ऊपर लेके चले ही जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर लोग डिपेंड कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करना। और ये स्टेप को फॉलो करते करते लेकिन ये बात भी, ये नेक्स्ट स्टेप को भी ज़रूर याद रखना, जैसे मैंने भी हमेशा याद रखी थी। मैं बहुत मेहनत से हर हफ्ते वीडियोस तो डालता रहता था, अभी भी डालता रहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को समझता हूँ, नथिंग इज़ परमानेंट। मेरे वीडियोज़ में मैं भले से कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी बेस्ट समरी बना लूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे वीडियोज़ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक वेव आएगी जो ऊपर लेके जाएगी मुझे, तब व्यूज़ बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगी, हर एक चीज़ होगी। लेकिन फिर एक टाइम आएगा ये वेव नीचे भी जाएगी, गिरेगी भी। मतलब मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, व्यूज़ कम होंगे, सब्सक्राइबर्स कम होंगे, पैसे कम होंगे, और ये वेव्स चलते ही रहेगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने अपने इतने साल के करियर में सीखा है। मैक्सिमम लोग है ना इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, जिसके जैसे लोग मीडियोकर रह जाते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि यार सक्सेस का जो ग्राफ है ना वो ऐसा लीनियर नहीं है कि आप जितनी मेहनत करते रहोगे टाइम टू टाइम आप ऊपर ही जाते रहोगे। नहीं, सक्सेस का ग्राफ ऐसा है, वेव्स जैसा है, जो धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इंडेक्स फंड्स भी आपने देखा होगा ना, लोग इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करने बोलते हैं? क्योंकि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके पैसे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर एकदम लॉन्ग टर्म में देखोगे 10-20-25 साल में, तो कई बार वो आपको ऊपर ही लेके जाएगा। सिमिलरली ये स्टेप को याद रखो, बी प्रिपेयर्ड टू क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक।
एक पहाड़ चढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ सही होगा हमेशा, नहीं, पहाड़ चढ़ लियो तो आपको पहाड़ उतरना भी पड़ेगा और उसके बाद शायद वापस से दूसरा पहाड़ चढ़ना पड़े। और ये एक एंटरप्रेन्योर की या फिर अमीर लोगों की लाइफ होती है जहाँ कभी ऊंचाई कभी नीचाई आते ही रहती है, ये चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना। और ये चीज़ में प्रिपेयर रहने के लिए आपको नेक्स्ट चीज़ हेल्प करेगी जो है फोकसिंग ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता है पिछले 6-7 सालों में हार्डली एक या दो बार ऐसा हुआ होगा जब मेरा संडे को वीडियो नहीं गया, वरना मैं हर हफ्ते रेगुलरली वीडियो डालता ही हूँ। और आपको क्या लगता है मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा डालता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ को समझता हूँ, जो मीडियोकर लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास रह जाते हैं और जो रिच लोग होते हैं, जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, उन लोग में डिफरेंस ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो पुअर लोग हैं उनका ही टफ काम करने का मन नहीं करता है इसलिए वो लोग नहीं करते हैं, और अमीर लोग का हमेशा टफ काम करने का मन करता है इसलिए करते हैं। नहीं, अमीर लोगों को भी टफ काम करने का मन नहीं करता है, बट स्टिल वो लोग करते हैं, और इसी चीज़ को डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील इट लाइक और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ें कई बार सारा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, और यही है नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, जब सेल्फ डिसिप्लिन के स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ आपके साथ होना चालू हो जाएगी, अपने आप ही होना चालू हो जाएगी, और जिस पर आपको थोड़ा फोकस भी करना चाहिए, वो है अबाउट इनबॉर्न क्रिएटिविटी। आपको पता है यूट्यूब करने से पहले तक मुझे कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं बोला था कि भाई तू बहुत क्रिएटिव है, बट जैसे जैसे मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, मेरी गर्लफ्रेंड जो कि आज मेरी वाइफ है, वो मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे रैंडम लोग मुझे कमेंट्स में बोलने लग गए कि भाई आपके वीडियोज़ में आपने जो एनिमेशन करते हो वो बहुत क्रिएटिवली करते हो, या बहुत सारे जो वीडियोज़ आप बनाते हो बहुत क्रिएटिवली बनाते हो। अब ऐसा कैसे हो पाया? क्रिएटिविटी ऐसा नहीं था, मेरे अंदर हमेशा से थी, बट वो आई कैसे? वो आई जब मैंने काम करना स्टार्ट किया। अच्छा देखो, एक और डिफरेंस जो बहुत बार मीडियोकर लोगों को, मिडिल क्लास वाले लोगों को है ना, और हायर क्लास लोगों को अलग करती है, वो कई बार होती है उनकी क्रिएटिविटी। कई बार है ना, मीडियोकर लोग भी ना जो सेम चीज़ें सीखते हैं, उनको भी नॉलेज सेम होती है, बट वो लोग कभी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करते, जबकि ना क्रिएटिविटी का यूज़ करके बिजनेसमैन उससे ही बिजनेस खड़ा कर देता है या कई सारी चीज़ें कर लेता है। सो क्रिएटिविटी कैसे पैदा की जाए? वेल, तीन फैक्टर्स हैं, इंटेंसली डिजायर्ड गोल्स, प्रॉब्लम्स एंड फोकस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको एक गोल चाहिए, जैसे कि मेरा गोल था वीडियो बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो को मुझे जितना हो सकता था इतना इजी तरीके से बुक को एक्सप्लेन करना था वीडियो में, और इसके लिए मैं अपने आपसे एक फोकस्ड क्वेश्चन पूछता था कि कैसे मैं ये चीज़ को कर पाता हूँ। अब जितनी बार मैं एक गेम को खेलता था कि यार कैसे मैं एनिमेशन के थ्रू इस बात को और सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, जितना मैं ये चीज़ का क्वेश्चन करता था उतना मेरा दिमाग धीरे धीरे करके मुझको आंसर देना स्टार्ट कर देता था। देखो, हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी मसल्स की तरह होती है, जिसे आप जितना यूज़ करोगे उतना वो बढ़ेगी। जैसे अगर आप जिम में जाते हो, जितना मसल्स को यूज़ करते हो उतना मसल्स बड़े होते हैं, सिमिलरली क्रिएटिविटी का मसल भी वैसे ही काम करता है। तो सिंपली यही है कि जितना मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्वेश्चंस पूछ पूछ के अपने आप को एक डिजायर्ड गोल्स के साथ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उतना मेरी क्रिएटिविटी बढ़ने लग गई। और ये चीज़ ने भी आप ट्रस्ट में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ज़्यादा पैसे कमाने में और मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने में, या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने में आप बोल सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी वो यही है, गेटिंग अराउंड द राइट पीपल। आजकल की मैं ना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गलती मैं देखता हूँ जिसके जैसे लोग कभी मिडिल क्लास से ऊपर नहीं आ पाते हैं, वो है उनकी संगत। याद रखो, ये बात एकदम सच है, अगर आपने 10 अनहेल्दी खाने वालों के साथ कई महीनों तक रहोगे तो पक्का आप 11वें ऐसे इंसान बन जाओगे जो अनहेल्दी खाएगा। और वही चीज़ इसका उल्टा भी काम करती है, अगर आप हेल्दी लोगों के साथ हमेशा रहना चालू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी खाना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं और सोशल इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, और जो सबसे सिंपल वाला एग्जांपल शायद आपने भी को बचपन में खेला होगा और प्रैंक्स में भी देखा होगा कि कुछ लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और ऐसे उंगली दिखा के ऊपर करने लग जाते हैं, 5-6 लोग उंगली दिखा के ऊपर ऐसा देखने लग जाते हैं, तो कई बार जो वॉकर्स होते हैं वो लोग भी रुक के देखने लग जाते हैं कि यार ये लोग क्या देख रहे हैं। ये क्या है? अगेन, ये चीज़ प्रूफ दिखाता है कि कैसे हम लोग सोशल क्रिएचर, हम देखते हैं जो चीज़ सब कर रहे हैं हम लोग भी वही करने लग जाते हैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। इसीलिए देखो, एक बहुत फॉर्चुनेट चीज़ जो मेरे साथ हुई वो यही थी कि मैंने ना अपने आप को सराउंड कर लिया सही लोगों के साथ, बड़ी सोच रखने वालों के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप है ना आप कल से ना जो लोग कम कमाते हैं उनके साथ रहना बंद कर दो, नहीं, बात यहाँ मेंटेलिटी की है, आप किस मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। वही अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर्चुनेटली मैं बुक्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था जिसके अंदर बेसिकली बिलियनर्स मिलियनर्स की बातें थी, और ऑफलाइन तो मेरे पास रिच लोगों का इतना कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन ऑनलाइन मैं ऐसे मेंटर्स की बातें सुन रहा था, ऐसे लोगों की बात सुन रहा था जो लोगों की मेंटेलिटी बहुत रिच थी, जो सही लोग थे मुझे ऊपर उठाने के लिए। और ये एक चीज़, एक सिंपल चीज़ ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प करी है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इसलिए ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करो, अपने आप को राइट लोगों के साथ रखना स्टार्ट करो। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ उठना बैठना चालू करो, अगर आपको हेल्दी बनना है तो हेल्दी लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो। ये एक सिंपल स्टेप आपको मीडियोक्रिटी से ऊपर निकाल देगा। सिंपली मीडियोक्रिटिकल लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करो और अमीर सोच वाले लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करो, जो है बी डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। जब मैंने यूट्यूब जर्नी चालू करी
तब मेरे पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस आए थे, कई सारे लोगों ने मुझे ऑफर भी दिए थे कि ये तो यूट्यूब छोड़ के मेरे साथ जॉब करने लग जा या मेरे लिए काम करने लग जा, या कई बार मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी मुझे बोलते थे कि तू यूट्यूब ये सब मत कर, तू एक काम कर जॉब कर। वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसाइसिव था कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अपने लिए ही काम करना है, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड ही बनना है और मैं अपने लिए कुछ करूँगा। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में मीडियोक्रिटी से आगे बढ़ने के लिए। जो लोग मीडियोकर होते हैं ना, वो लोग डिसाइसिव नहीं होते, उनको अगर पाँच लोग पाँच बातें बोलते हैं तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो लोग दूसरों की बातों में बहुत ईजिली आ जाते हैं। इसकी वजह से वो लोग मीडियोकर बन के भी रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी एक इंसान की बातें ढंग से सुनते ही नहीं। जबकि आपको एक डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनना है। अगर आप दिल से सोच लोगे, प्लान बना लोगे आपको क्या करना है और उसके ऊपर जिद्दी होकर काम करोगे, एक्शन लेते रहोगे, तो पक्का वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। और याद रखो, उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है जो मैंने भी करी थी, वो है नेवर अलाउ फेलियर टू बी एन ऑप्शन। तो जब मैंने सोच लिया था ना कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि कल को यूट्यूब नहीं चला तो, कल को अगर मेरे को पैसे नहीं आए तो क्या होगा। नहीं, मेरे दिमाग में इतना तो था ही। और आप भी अपने आपसे ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना कि यार क्या हज़ार लोग भी मुझे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने तो अपने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि यार ये बुक्स की जो इतनी पावरफुल बातें हैं जिसने लिटरली मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है, क्या वो बातें मैं अगर इंटरनेट पर जाके करोड़ों के सामने बोलूँगा, चिल्लाऊँगा, तो क्या हज़ार लोग भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। और इसका आंसर मुझे ये मिला था कि नहीं यार, हज़ार लोग तो सुनेंगे, हज़ार लोग तो तेरी बात की वैल्यू करेंगे ही करेंगे इस इंटरनेट के एज में। इसलिए मैं कभी फेलियर के बारे में तो सोचता ही नहीं था, मेरे दिमाग में था कि बस इसको चलाना ही चलाना है कैसे भी, हज़ार लोगों तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। और जब मैंने इस तरीके से सोचना चालू किया, इसलिए मेरे दिमाग ने मुझे फिर रास्ते दिखाना भी चालू कर दिया। कई बार क्या होता है ना, कई बार हम लोग अपने दिमाग में फेलियर एज एन ऑप्शन चुन के चलते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग, याद रखो, हमेशा ईजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करता है कि यार ठीक है, तीन वीडियो बनाया नहीं चला, ठीक है यार बैकअप प्लान था तो वो कर लेता है, ठीक है यार बिजनेस चालू किया नहीं हुआ कोई बात नहीं ये कर लेता है। हमारा दिमाग हमेशा ईजी वे आउट ही ढूंढेगा, और जब तक आप उसको वो ऑप्शन देते रहोगे तब तक वो करेगा ही नहीं। जैसे कई बार देखो, लोग फास्ट करते हैं तो दिन दिन भर भूखे या प्यासे रह लेते हैं, लेकिन वहीं पे नॉर्मल दिनों के अंदर भूख नहीं रुकती है, प्यास नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि तब खाना पीना हमारे लिए ऑप्शन रहता है कि हम खा लेंगे पी लेंगे चल जाएगा। सिमिलर चीज़ आपको भी ध्यान देनी है, ये स्टेप, कि अपने लिए ना फेलियर और मीडियोक्रिटी का ऑप्शन रखो ही मत। दिमाग में ये बैठा के रखो कि मुझे अमीर बनना ही बनना है, मैं बनूंगा ही बनूंगा, बस कैसे बनूंगा इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। और इसके साथ साथ ये वाले स्टेप को भी फॉलो करो जो है पास द परसिस्टेंस टेस्ट। एक बार जब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे यही करना है और ये चीज़ सच में वैल्यूएबल है, तब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है सिर्फ परसिस्टेंट रहना। अब वापस से आप देखोगे तो पिछले 6-7 साल में मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट हूँ, और ये कंसिस्टेंसी ही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे कंसिस्टेंटली इनकम आ रही है, नाम मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, अगर पिछले 7-8 साल में अगर मैं सिर्फ 10-15 वीडियोज़ बनाता, भले से कितने भी अच्छे वीडियोज़ बनाता, आपको लगता है आज मैं इतने सारे सपनों को पूरा कर पाता? ऑब्वियसली नहीं कर पाता, बिकॉज कई बार ना, हाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी क्वालिटी पे फोकस करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, लेकिन वो एक्सीलेंस भी है ना, आपको ट्राई कर रहा है कि आप कंटिन्यूअसली अचीव कर सको, होगी नहीं, ये चीज़ भी याद रखो जैसे कि स्टेप में बताया था, बट ऑलवेज रन बिहाइंड एक्सीलेंस और परसिस्टेंस टेस्ट को पास करो। ये परसिस्टेंस का टेस्ट ही है जिसने मुझे मीडियोक्रिटी से ऊपर लेके आया। क्यों? एक चीज़ याद रखो, मैक्सिमम लोग परसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, अगर आप रह सकते हो तो आप मैक्सिमम लोगों से ऊपर आ जाओगे और पक्का आप मीडियोक्रिटी के साइकिल को तोड़ दोगे, मिडिल क्लास के ट्रैप को भी तोड़ दोगे। अब देखो, ये तो मैंने 20 स्टेप्स आपको बता दिए, एक स्टेप है जो इसमें मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सच बोलूं तो ये एक स्टेप को मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था, बट ये स्टेप मैं फिर भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बुक में बताई गई है। लास्ट स्टेप जो है वो है टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। देखो, एट द एंड बात तो ये है कि यार कितने भी पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट? ये बात तो आपने 100 बार सुनी होगी, तो वही 101 बार वापस से सुन लो कि आप ये सब काम करते करते आपको अपनी हेल्थ पे भी ज़रूर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन दोनों को भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि उनको एकदम आपको कचरे में डाल देना है अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि शायद आप गोल्स तो अचीव कर लोगे लेकिन आप उसे इन्जॉय नहीं कर पाओगे, इसीलिए इस चीज़ को भी याद रखो। और ये वाला लेसन मैंने क्यों इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि यार मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बुक की समरी मैं आपको दे रहा हूँ। ये बुक का नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बाय ब्रायन ट्रेसी, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फास्टर ईजियर। ये ब्रायन ट्रेसी काफ़ी कमाल की बुक है, जिसके अंदर उन्होंने 21 प्रिंसिपल्स बताए थे जो मैक्सिमम सेल्फ मेड लोग यूज़ करते हैं अपने आप को सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, सच है, इनमें से मैक्सिमम प्रिंसिपल आप देख सकते हो मैंने भी अप्लाई किया था, जिसने मुझे भी आगे बढ़ने में हेल्प किया, इसलिए ये मैं बुक चुना आप लोगों को ये टॉपिक समझाने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे मेंटालिटी से रिलेटेड बहुत बात हुई है, राइट? और ये बात सच है, ये बात मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता था कि ना, मैक्सिमम मैंने देखे वीडियोज़ में ना टेक्निकल स्टफ्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। टेक्निकल स्टफ बहुत अच्छी बात है भी, मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाके जरूर देख लेना, डेव रैमजी की बुक है टोटल मनी मेकओवर, उन्होंने एकदम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया है चीज़ें कि कैसे आप कितने भी कर्जे में रहो, कितने भी आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहो, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप निकल सकते हो। लेकिन मैंने उस बुक पे वापस से समरी नहीं बनाई, मैंने इस बुक पे बनाई क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए ना मैंने ये टेक्निकल चीज़ों पे फोकस किया ही नहीं था कभी।
मैंने अपनी मेंटालिटी पे ही फोकस किया था, इन बातों पे ही फोकस किया था जो मैंने आपको आज बताई है। और सच बोल रहा हूँ, इन बातों ने ही मुझे अमीर बनने में हेल्प करी है, टेक्निकल चीज़ों ने नहीं किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी आपको टेक्निकली भी जानना है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी डेव रैमजी का है, टोटल मनी मेकओवर करके बुक है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखो, बहुत कमाल का है। लेकिन उसको देखने से पहले ये चीज़ों, ये 21 लेसन्स को जरूर क्लियर रखना, जो अगर मैं आपको फटाक से रिवाइज करके बता दूं तो वो यही है कि हैव बिग ड्रीम्स, डेवलप क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, सी योरसेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, डू व्हाट यू लव टू डू, कमिट टू एक्सेलेंस, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पे योरसेल्फ फर्स्ट, लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस, डेडिकेट योरसेल्फ टू सर्विंग अदर्स, बी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड अदर्स, Determine your highest priorities and concentrate on them single-mindedly. Develop a reputation for speed and dependability. Be prepared to climb from peak to peak. Practice self-discipline in all times. Unlock your inborn creativity. Get around the right people. Take excellent care for your physical health. Be decisive and action-oriented. Never allow failure to be an option. And pass the persistence test. ये पूरी बुक की मैंने आपको डिटेल में समरी दे दिया है, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी के साथ, 21 लेसन्स के साथ, ठीक है? होप आपको मजा आया होगा। तो सभी को विश करता हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर अचीव करना अपनी ज़िंदगी में। ट्रस्ट मी, काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है ये, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए विश करूँगा आपके सारे सपने पूरे हों, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इनमें से टॉप 3 चीज़ जिस पर आप फोकस करने वाले हो वो कौन से होने वाले हैं। अगर आपको ये जो मेरी बुक समरीज है वो पसंद आती है, और अगर आप चाहते हो कि यार ये जो बुक की हमारी कम्युनिटी है जो अभी 4 मिलियन के आसपास है वो जल्दी से 5 मिलियन तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, इस चैनल को शेयर भी ज़रूर करना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें और आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा ताकि आपके भी सपने पूरे हो सके, हम मिल के ग्रो कर सके, ठीक है? मिलते हैं उस वाले वीडियो पे, टोटल मनी मेकओवर वाला वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी देख लो। मैं तो चाहूँगा जितने वीडियोस हो सकते हैं देखो, स्टार्टिंग में मैंने ये भी किया था, मैंने बहुत सारे वीडियोस देख के अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लिया था, और हाँ उससे रिलेटेड फिर मैं एक्शन भी लेता था। ये दो चीज़ करते रहो, अपनी मेंटालिटी को पे काम करते रहो और एक्शन लेते रहो, ट्रस्ट में आपके सारे सपने पूरे होंगे। टिल देन जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टोटल मनी मेकओवर वाले में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बायो, बाय बाय।